अच्छा मुझे बताओ कि तुम वाकई बेवकूफ हो या नहीं हो? खबर भाई, ये या तो गलतियां हो जाती हैं? नहीं, मुझसे मेरा नहीं ख्याल मुझसे कोई भी गलती होती है। तो फिर ये दो पासपोर्ट वाला स्कैंडल क्या था? खबर भाई, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। डिपार्टमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी नहीं। अच्छा। मेरी नहीं थी वो, एक्चुअली ये था कि मेरा एक पासपोर्ट, जब आपका एक पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरा पासपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उनको अटैच कर देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट की गलती थी क्योंकि मेरा एक पासपोर्ट। हुजूर, में ऐसी खबरें बन जाती हो, तुम तर्दीद भी नहीं करती? मैं, आप पढ़ते नहीं है मेरे। नहीं, अभी एक खबर आती है, साथ ही एक और भयानक खबर आ जाती है, फिर एक और खबर आ जाती है, तो मुझे घबराती नहीं हूं। खबर नहीं आती मुझे, ये बताइए, इसलिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इसीलिए मैंने अपने ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया था मीरा जी के नाम। अच्छा। से और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, तुम खुद उसे डील करती हो? मैं बिल्कुल उसको, मैं खुद उसको लिखती हूँ। फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है और ट्विटर पे भी, ट्विटर पर भी द मीरा जी के नाम से, और मैं अपडेट्स करती हूँ तमाम दुनिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ताकि वो उनके साथ और मेरी हमारी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मीरा, इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मसले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब महंगाई बहुत है, कौम तड़प रही है, मर रही है, किसी को एहसास नहीं है, ऐसी सूरत में लोग मीरा के पति में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? मेरी बात सुन, उनके पास और कोई मसला नहीं है? मतलब मीरा, क्या आप बार बार उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बार बार उसका जिक्र। अच्छा, चलो नहीं जिक्र करते। इसके अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ। बहुत हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले, तो बहुत सारी ऐसी। तुम वैसे तुम समझती हो कि अपने अपने तौर से, अपने तरीक़ों से दूसरों के मसाइल हल करती रहती हूँ? नहीं, बिल्कुल सबको करने चाहिए, एक दूसरे को आप सपोर्ट करना चाहिए और पॉजिटिवली ज़िंदगी में। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों, लोगों के पॉजिटिव पॉइंट्स याद रखना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट्स को भूल जाना चाहिए। अच्छाइयाँ याद रखें, बुराइयों से किसी को याद मत रखें। बिल्कुल, इसलिए कि हम इंसान हैं और हम गलती इंसानों से ही होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और हमारा काम है गलतियों से हम सीखें। और मैं सबको यही मैसेज दूंगी, आपको भी बल्कि, कि हमेशा पॉजिटिविटी अपने सामने रखें और पॉजिटिवली ज़िंदगी को लीजिए, इसलिए कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, मैं असल में यही तो चाह रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव पहलुओं से उजागर मत करें, उनसे नेगेटिव पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए एक खूबसूरत उसका पहलू देखें कि वो इंसान कितना खूबसूरत है, इसलिए कि हर इंसान के अंदर एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे ने ही। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हमने मीरा की खूबसूरती बाहर वाली तो देखी, आज सब बातों से क्लियर हो रहा है कि वो खूबसूरती अंदर तक भरी हुई है, और मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो खूबसूरती लोगों के सामने। मैं समझती हूँ कि सब खूबसूरत हैं, आप भी खूबसूरत हैं, ये भी खूबसूरत हैं, हम सब खूबसूरत हैं, सिर्फ ये कि देखने का अंदाज़। तुम्हारी नज़र बदसूरती पे नहीं जाती? नहीं, मैं सिर्फ खूबसूरती देखती हूँ, मैं सबके प्लस पॉइंट्स देखती हूँ, ये कितना अच्छा तबला बजा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, कमाल का काम करते हैं, वो कितना अच्छा पियानो बजा रहे हैं, ये कितने अच्छे कैमरामैन हैं, और हमारे जो बिहाइंड द स्क्रीन इस वक्त लोग बैठे हैं, सब कितने। लेकिन सबको इंटरेस्ट तो मीरा से है। बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि मैं स्टार हूँ। वाह। अच्छा, और मैं क्या हूँ, स्टार मेकर? आप स्टार मेकर। अच्छा जी, कोई और गाना सुनना चाहोगे? लाया लाया मैं तेरे ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे ना ढोलना, एक दिल सी रया मेरे को ढोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई, लाया लाया मैं तेरे ना ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे ना दिल से रहा मेरे को ढोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई, लाया लाया सदरा दे बुए वे में
तेरे नहीं खोले हो मीना तू हूं कभी अखियां तोले सतरंग बुए बिन तेरे नहीं खोले हो मीना तू हूं कभी अखियां तोले तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मर लाया लाया बात नहीं पर हमारी हीरोइन तो पॉलिटिशियन से जुड़ी होती है अच्छी बात है इसलिए कि जुड़ना किसी अच्छे काम पे क्यों नहीं लगाती है ये अच्छा काम ही पॉलिटिशियंस बुरे नहीं होते पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं मुल्क का दफा के हक में अच्छे नहीं होते मुल्क का दफा करते हैं वो आपके लिए लड़ते हैं वो एक अच्छा मीरा मेरे दिन में क्वेश्चन आ रहा था कि तुम्हारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं तुम्हारा ताल्लुक उस ग्राउंड से भी नहीं लेकिन फिर ये फिल्म में आने के लिए तो डांस की एक बड़ी इम्पोर्टेंस होती है वो तुमने कहाँ सीखा मतलब वो भी सेल्फ क्रिएटेड था हाँ पर भाई मैं मेरे पप्पू सम्राट खानू सम्राट जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सीखा इंडस्ट्री से ही सीखा अच्छा नहीं फिल्मों में डायरेक्टर्स के साथ शौक था आप कह सकते हैं शौक था अच्छा तुम क्या समझती डांस की जिंदगी में क्या अहमियत है डांस की जिंदगी में क्या अहमियत है मैं समझती हूँ लड़कियों को डांस आना चाहिए बिल्कुल आई थिंक भुट्टो का दौर ऐसा था जब स्कूल में डांस की ट्रेनिंग और सिंगिंग बिल्कुल मैं समझती हूँ लड़कियों को अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो आपको बिल्कुल आप एक डांस करना भी एक एक्सप्रेशन है और आप खुद अच्छा फील करते हैं बिल्कुल अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है इमरान खान है या कोई और है मतलब अगली होप क्या इमरान खान है देखिए मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती तुम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते पर हमारी हीरोइन तो पॉलिटिशियन से जुड़ी होती है अच्छी बात है इसलिए कि जुड़ना किसी अच्छे काम पर क्यों नहीं लगाती हूँ ये अच्छा काम ही पॉलिटिशियंस बुरे नहीं होते हैं पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं मुल्क का दफा के हक में अच्छे नहीं होते अच्छे होते हैं ना मुल्क का दफा करते हैं वो आपके लिए लड़ते हैं वो एक जॉब है मुल्क को कंट्रोल करना मुल्क की सियासत को समझना दूसरे मुल्कों के साथ डील करना दूसरे मुल्कों अपने मुल्क का दफा करना अपने मुल्क को कंट्रोल करना अब आप सोचें कि एक घर में आप सबको कंट्रोल नहीं कर पाते तो पॉलिटिशियंस इतना काम करते हैं और मगर वो तो खुद अपने कंट्रोल में नहीं होते देखिए ना खबर ये भी एक जॉब है मैं समझती हूँ पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं जिम्मेदारी वाली जॉब है और हमें अपने तमाम पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसलिए कि वो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं मुल्क के लिए खड़े हैं और दूसरे मुल्कों को समझती नहीं जो हालात चल रहे हैं हमें एक अच्छा लीडर की जरूरत है देखिए आप हमें अपने लीडर्स के ऊपर एतमाद होना चाहिए और यकीन के साथ पॉजिटिवली सोचना चाहिए नेगेटिवली हमारी जो नेगेटिव अप्रोच है इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और हर लीडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर लीडर को रिस्पेक्टफुली और वो इसलिए कि वो सब इंसान हैं वो अच्छे इंसान हैं लेकिन उनके अंदर आप अच्छाई तलाश करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा अच्छाई मिलेगी बजाय तो अच्छाई तो कामों से नज़र आती है ना नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं मैं समझती हूँ सब ने कोशिश की अच्छा काम करने की और आगे भी सब अच्छा काम मेरा तुम क्या समझती हो लोग बिलीव नहीं करते लोगों ने बिलीव करके ही रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर स्टैंप लगाई पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं एक दिन में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते खबर एक दिन में घर भी नहीं बन सकता टाइम चाहिए पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल और सबसे ज़्यादा एक मसला है वो है कि लोग बहुत अनएजुकेटेड हैं लोगों को ज़िंदगी गुजारने के बारे में कुछ नहीं पता लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है आई एम सॉरी टू से यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है स्कूल्स में भी जो एजुकेशन दी जाती है मैं उससे 100% मैं मुतफिक नहीं हूँ वो भी सही तरह की एजुकेशन नहीं है बिल्कुल अच्छा मेरा चलो इस सवाल से हटते हैं एक सॉफ्ट चीज़ों पर बात करते हैं आर यू ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा अच्छा व्हाई इसलिए कि मुझे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं क्वालिटी
क्वालिटी की वजह से। अच्छा, मुझे हर क्वालिटी, हर अच्छे लोग, चाहे वो क्वालिटी। तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है? मेरे फेवरेट डिजाइनर जो हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत सारे मेरे फेवरेट। आई थिंक उमर सही तुम्हारा फेवरेट। सबके साथ नहीं, सबके साथ मैंने काम किया है। हाँ। मैंने आपके भी कपड़े पहने हैं, मैंने अतशजाद के भी कपड़े पहने हैं, मैंने HSY के भी कपड़े पहने हैं, मैंने BG's के भी बहुत सारे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अतशजाद कपड़े ही बनाते हैं। नहीं, उनके जो है उनकी भी स्टाइलिंग, मैंने नबीला ने भी मेरे साथ काम किया है, और मैंने पाकिस्तान नौमी अंसारी के साथ भी काम किया है, उमर सईद के साथ भी काम किया है, और मैंने आई थिंक पाकिस्तान के टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, और सबके साथ मैंने काम किया। अच्छा, तुमने बहुत से कमर्शियल में काम किया है, और हमारे जो एड मेकर हैं वो हमारी जो हीरोइन उनको बहुत हसीन दिखाते हैं, वाकई वो ग्लैमरस लगती है, तो हमारी जो फिल्म की जो हीरोइंस हैं वो हमारी फिल्मों में क्यों नहीं अच्छी आती? देखिए, फिल्मों में सब सारी हीरोइंस खूबसूरत लगती हैं। आप बार बार आप हीरोइंस को ये मत कहें कि वो अच्छी नहीं लगती, सब खूबसूरत फिल्मों में अच्छी। मुझे लगता है आपकी नज़र ख़राब है खावर, आप ऐसा मत कहिए, सब बहुत खूबसूरत और सब अच्छा, कोशिश करते हैं कि अच्छा काम सब करें, और मैं समझती हूँ कि हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि आप फिर मैंने कहा कि आप अप्रिशिएट करें, वो जैसा भी काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। मेरा मैं तुम्हें जितना अप्रिशिएट करता हूँ मेरे ख्याल कोई भी नहीं करता। हाँ, आपको बस अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए कि आप काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है और आपने इतना अच्छा अच्छा काम किया है, और आप मुझ समेत आपको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए खावर। मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पर कि कहाँ एक लड़की एक बोला बैकग्राउंड भी नहीं, कुछ नहीं, हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच गई और आज एक बड़े मुकाम पर बैठी कि लोग उसकी हर अच्छाई से लेकर बुराई हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, और हम लोग ये नहीं सोचते कि वो भी एक इंसान है, नोबडी इज़ परफेक्ट, और आज वो ग्लैमर की दुनिया का बहुत बड़ा सितारा है, तो उसके साथ अच्छाई बुराई हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो हमें हमेशा अच्छी बातों की तरफ देखना चाहिए। मैंने जहाँ तक मीरा को बहुत करीब से देखा है, वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून है, और मैंने उसको हमेशा लोगों की हेल्प करते ही देखा है। मीरा के बहुत से और एस्पेक्ट्स हैं जो आगे जा कर चल कर हमें पता चलेंगे। अच्छा मीरा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मेरे घर आई, मेरे लिए इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगा कि तुम मेरे घर चल कर आई और मेरे साथ खाना शेयर किया, गाने सुने, कुछ गिमिक्स देखी, मेरी बहुत ही तेज़ उन बातों के जवाब भी दिए और बड़े आराम से दे गई, और आई थिंक लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। मीरा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम मेरे घर आई तो मैं चाहूँ कि तुम मेरी तरफ से जाते हो तुम एक गिफ्ट जरूर लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यू आर वेलकम, सो नाइस, थैंक यू। और नाज़रीन, अगली दफ़ा मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, खुदा हाफ़िज़।